गुड मॉर्निंग साथियों, आ जाओ जल्दी से एक और नई क्लास एक नई उम्मीद के साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सभी क्लासें मिलती रहें और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और देश को भी आगे ले जाते रहें। चलिए, प्रायिकता हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 की मैथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और इस क्रम में हम सभी ने अभी तक दो क्वेश्चन पढ़ लिया है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसे हम स्पेलिंग याद करने की दृष्टि से प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संभावना। संभावना मतलब जैसे एक प्रकार से ये जान लो कि आपने परीक्षा दिया है तो उसके रिजल्ट आने की संभावनाएँ होती हैं। मैंने बहुत अच्छा से बताया, पहला पार्ट जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल जाए, नहीं तो ये पूरा वीडियो देखोगे तो इंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहला पार्ट देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लोगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम यानी कि कौन सी पारी पहले खेलेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। कहते हैं चलो टॉस करा लो, टॉस करा लो, है ना। तो जैसे कि कोई भी आप सिक्का ले लीजिए, उसको उछालते हैं हम लोग ऊपर या कुछ भी मतलब उसके साथ करिए, तो उसमें आप ये देखेंगे दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है ना, एक हेड होता है एक टेल होता है, जिसे कहा जाता है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसे कुछ और भी बोलते होंगे। तो सिक्के के दो पार्ट होते हैं साथियों, जैसे देखो इधर साइड में इसे हेड कहा जाता है, जिधर ये देखो रुपया वगैरह लिखा होता है, हमें समझते ही होता है, इसे टेल कहा जाता है पीछे वाला, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ बना होता है ना, ये तो होता है ना। तो इसको जब हम उछालेंगे तो या तो ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, या फिर ये ऐसे गिरेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना, दो ही संभावना होगी ना। तो कह रहा कि इस विधि को यानी कि ताश को यानी कि सिक्के उछालने वाली विधि को सही क्यों माना जाता है, न्यायसंगत क्यों माना जाता है। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये न्यायसंगत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दो ही पहलू हैं और दोनों के बराबर आने की संभावना होती है। जब इसको हम ऊपर को उछालेंगे, देखो ऐसे जैसे अगर हम इसको उछालते हैं, ये तो मैं यहाँ पकड़ लेने, नीचे गिर के भाग जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे क्या। तो इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की आधी आधी संभावना होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई लड़का पैदा होने वाला हो, सॉरी लड़का नहीं मतलब बच्चा पैदा होने वाला हो, तो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी इसकी भी बराबर संभावना होती है। तो उसी तरह सिक्का उछालने पर दोनों पारियों की बारी आने की बराबर संभावनाएं मानी जाती हैं, और इसलिए इसको न्यायसंगत माना जाता है, लिख लेना। क्योंकि सिक्का उछालते समय उसमें से हेड एंड टेल आने की बराबर संभावनाएं होती हैं। हेड एंड टेल को किताबी भाषा में चित या पट कहा जाता है, चित या पट। बुक में क्या लिखा है कि जब सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें से केवल एक संभावित दशा में धरती पर गिरेगा, वही जो मैंने बताया अपनी भाषा में लिख लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चौथा नंबर देखना, कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 15.1 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रायिकता का मतलब होता संभावना। अगर कहीं पर 0.000001 है तो ये भी एक संभावना है, ये भी एक प्रायिकता हो सकती है। क्यों? किसी भी काम के होने की आपको कम से कम 0.00001 इतनी संभावना तो है, थोड़ी सी है, भले रत्ती भर है किंची भर, लेकिन है तो ना। इसका मतलब क्या है, ये संख्या प्रायिकता हो सकती है किसी ना किसी की, लेकिन जो चीज़ संभव है ही नहीं, जैसे मैंने कहा जीरो, अब क्या किसी चीज़ की जीरो संभावना हो सकती है कि आप कोई सामने वाला जा रहा है उसको दो पड़ाका मारो खींच के तो कह दो भाई जीरो संभावना है कि मुझे मारेगा ये, तो जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता, वो तो 100% संभावना बन जाएगी कि आपको पीट देगा फिर वो, बात समझ रहे हो ना। तो साथियों ये जान लो कि जो संख्या जीरो से थोड़ी सी भी बड़ी है वो हर एक संख्या मतलब वो प्रायिकता हो सकती है, किसी न किसी संख्या की प्रायिकता मतलब किसी न किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन जैसे ये देखो माइनस में है, तो माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है क्योंकि माइनस में कोई संभावना नहीं जताई जाती, ठीक ना, निगेटिव नहीं पॉजिटिव देखा जाता है। तो ये जान लो कि इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर 2/3 है ना, इसका मान जीरो से बड़ा आएगा, आप ऐसे लिखोगे जीरो फिर इधर साइड में 2/3, इसलिए यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। इसमें लिख देना, ऐसे लिखोगे जीरो इज ग्रेटर देन, कहाँ गया यार ये माइनस, ये वाला, ये मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, माइनस वाले के लिए 1.5, जीरो इज ग्रेटर देन 1.5, सो
ये संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और हाँ, अगर समझना है तो क्लास को पूरा देखना, अगर 10-15 मिनट दे दोगे ना तो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा चीज़ देख लोगे, बाकी जो नौटंकी देखते हो उसमें कुछ नहीं मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसमें का जो 5वां क्वेश्चन है उसको आप खुद से कर लोगे। खुद से कैसे करोगे उसको सुन लो, फिर 6वां क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। कक्षा 10 की NCERT मैथ की बुक है ये, प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी कि आपका है 15.1। 5वां देखना, कह रहा है कि यदि PE इक्वल 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यारों, यार ये होता है ना कि PE धन PE नहीं कि जो है इसका मान एक होता है, जानते हो कि नहीं, कोई घटना घटित हो सकती है धन नहीं हो सकती है, बराबर एक होता है, ये सूत्र होता है। लिख लो PE धन PE नहीं इक्वल 1, तो जो PE है उसका मान दिया है एक, मान रख देना दूसरा मान आ जाएगा, बराबर करके उसमें और भी तो कुछ दिया है ना, सब दिया है ना, इसका मान एक होता है, तो जब इसका मान रख दोगे 0.05 धन ये ऐसे लिख लेना बराबर एक, इसको उधर कर लोगे पक्षांतर, आ जाएगा उत्तर, बन जाओगे बंदर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, 6वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बंदर नहीं बनोगे, वैसे मजाक में बोला, चलो सॉरी। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, तो फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, दूसरा नींबू की महक वाली है। देखो यार, सिंपल सी बात है, वो आपने सुना है कि जब बबूल बोओगे तो आम के फल कैसे लगेंगे, अगर आप बबूल का पेड़ उगा लगाओगे तो आम के फल नहीं लगेंगे उसमें, उसमें कांटे वाले बबूल ही लगेंगे। तो अगर उस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं तो क्या चमत्कार होके संतरा थोड़ी बन जाएगा उसमें, यानी कि उसमें कोई संतरे की गोली है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखो जल्दी से लाइन में, लिखो फटाफट अगले में, लिखो थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः थैले से संतरे की महक वाली गोली निकालना असंभव है, अतः क्या लिखोगे, पी इक्वल 0, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक ना। दूसरे में क्या लिखोगे, दूसरे में लिखोगे क्योंकि थैले में सभी गोलियां केवल नींबू की महक वाली हैं, अतः उसमें से एक गोली निकाली जाने की प्रायिकता पी बराबर क्या लिखोगे, 1, मतलब निश्चित है ना। ऐसे भी लिख सकते हो कि थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः उसमें से नींबू वाली गोली निकलना निश्चित है, अतः इसकी प्रायिकता फी इक्वल 1। तो बस हो गया 6ठा तक। 7वां देख लो क्या कहता है। 7वां कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। बड़ा अजीब सा सवाल है यार, इसको तो आप लोग कर ही ले जाओगे, वैसे बड़ा मज़ेदार है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कर लेना और 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां बहुत ही आसान है, कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। एक थैला है, झोला है भाई, अच्छा सा है, बड़ा सा, जैसे देखो ये मैं निकाल देता हूँ झोला, ये एक झोला है, ठीक है, इसमें कुछ गेंदे भर के रखी गई हैं। अब वो इसमें गेंद है क्या है मैं नहीं दिखाऊंगा ना, बताऊंगा ही क्या है इसमें, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें मान लो गेंदे भर के रखी गई हैं जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, यदृच्छा मतलब इच्छा अनुसार, जैसे मैं ये थैला लिया हूँ इसमें से मैंने हाथ डाला और इच्छा अनुसार मैंने इसमें से एक गेंद निकाल लिया, और संयोगवश इसमें से गेंद नहीं बल्कि एक कैमरे का चार्जर निकला, है ना, तो मान लो एक गेंद है। चलो, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से निकाली गई जो गेंद है वो लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये स्याही की डिब्बी डाल देता हूँ लाल और नीली, ठीक ना, तो एक एग्जाम्पल समझ लो, बहुत अच्छा, ज़िंदगी में ना भूलोगे, ये 2 डिब्बी है, मैंने इसमें डाल दिया। अब चलो, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से जो मैं डिब्बी निकालूंगा बिना देखे वो लाल होगी, बताओ कितनी संभावना है कि लाल होगी,
भाई एक नीली वाली डिब्बी तो भी है, आपने देखा मैंने दो डाला ना, तो दोनों में से कोई एक आ सकती है ना। जैसे मैं हाथ डाला, देखो मैं आपको देख रहा हूँ, झोला में नहीं देख रहा हूँ, मैंने हाथ डाला इसमें से एक निकाल लिया, बताओ कौन सी निकलेगी। ये देखो नीली वाली निकल गई ना, यानी कि एक संभावना थी कि नीली वाली निकलेगी और एक संभावना थी कि लाल वाली निकलेगी, दो संभावनाएं हैं ना, लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं, टोटल दो संभावना है, बोलो दो है ना, यानी कि दो टोटल कुल जो परिणाम है दो हो सकते हैं, या तो नीली निकलेगी या लाल निकलेगी। लेकिन अगर कहा जाए कि झोला से नीली डिब्बी निकालने की प्रायिकता, तो क्या होगा, नीली डिब्बी एक चांस है कंफर्म की हो सकता है और टोटल दो चांस हैं, तो इसको हम नीली डिब्बी निकालने की प्रायिकता 1/2 लिखेंगे, बात समझ गए ना। उसी तरह से अगर लाल डिब्बी निकालने की प्रायिकता, उसकी भी 1/2 होगी, क्या होगी, 1/2 होगी। लेकिन अभी आगे और समझते जाना, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है समझना है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज बहुत अच्छे से। अब देखो मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर आप पूरा क्लास देख लोगे लाइफ में कभी ना भूलोगे प्रायिकता, और क्वेश्चन तो कहीं जा ही नहीं सकता, इसकी हिम्मत ही नहीं कि ये भाग के जाएगा आपसे। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली देखना यार, चलो ठीक है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, तो देखो मैं आपको 3 लाल और 5 काली दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको 3 लाल और 5 काली गेंद के बारे में बात कर रहा ना ये क्वेश्चन। तो ये लो मैंने आपके लिए इतने सारे सामान लाए हैं, वो क्या है, इसमें 3 लाल डिब्बी है, 5 काली है, कहो तो मैं गिन गिन के इसमें भर के दिखा देता हूँ। इसमें लाल वाली 3 डिब्बी है, देख लो गिरने ना पाए, 1 इसमें भर दूँ, ये लो लाल वाली देखो 2 हो गई ना लाल वाली, 3 होनी चाहिए ना, ये देखो एक और है 3, काली वाली में देख लो 5 है, कितनी है 5, 5 होनी चाहिए, तो मैंने 3 डाल दिया लाल वाली और 5 डाल दिया ये काली वाली। अब देखो प्रायिकता समझ लेना, लाइफ में ना भूलोगे। कह रहा है इसमें से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, गेंद को मान लो डिब्बी, क्योंकि हमारे पास गेंद नहीं भाई इतनी सारी, डिब्बी है हमारे पास स्याही की, है ना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो या गेंद लाल ना हो। तो देखो यार गेंद की जगह पे डिब्बी मानना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिब्बी लाल हो या लाल ना हो। अब ये बताओ इसमें टोटल कितनी डिब्बी हैं, कितनी डिब्बी हैं इसमें, टोटल 8 डिब्बी है ना, तो अगर मैंने इसमें से इच्छा अनुसार बिना देखे एक डिब्बी निकाला, तो कितनी संभावना है कि लाल वाली डिब्बी हो सकती है, बोलो कितनी उम्मीद है कि लाल वाली ही निकलेगी। देखो चूंकि इस झोला में टोटल 8 डिब्बी हैं, कितनी हैं 8 हैं, तो अगर मैं हाथ डालूंगा और आराम से बिना कुछ देखे समझे निकालूंगा, तो उसमें से एक निकल सकती है, 8 में से एक निकलेगी ना, लेकिन इसमें से 3 लाल और 5 काली है, तो बताओ लाल वाली निकलने की कितनी संभावना है। देखो यार 3 है लाल वाली, तो लाल वाली डिब्बी निकलने की केवल 3 संभावना है, 3 है ना, केवल 3 संभावना है ना, लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं, मतलब टोटल कुल परिणाम कितने होंगे, अगर मैं बार बार निकालता रहूँगा कितनी बार निकलेंगे, 8 बार निकलेंगे, 8 ही परिणाम है ना, 8 बार चांस है ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। लिख लो प्रायिकता इक्वल संभावित परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। तो पहले क्वेश्चन के लिए लाल गेंद होगी, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो यार PE = संभावित परिणाम लाल निकलने की 3 संभावना है, टोटल 8 संभावना है, ये देखो 8, जैसे देख लो यार। चलो मैंने एक डिब्बी निकाला, मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें झोलम का है, ये मैंने एक निकाला वो भी काली निकल गई ना, लाल वाली नहीं हुई ना, चलो मैं इसमें डाल दिया, दोबारा निकालता हूँ, इसको हिला लेता हूँ। चलो मैंने एक डिब्बी फिर से निकाला, ये देखो लाल निकल गई, यानी कि कुल मिला के 8 संभावना है, 8 में से 3 बार लाल हो सकती है और 5 बार काली हो सकती है, तो ये हो गई लाल डिब्बी निकलने की संभावना आपके सामने आ चुकी है। अगला इसमें कह रहा है, वो भी ध्यान देना, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल ना हो, भाई डिब्बी लाल ना हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिया गया है साथियों, इसमें ना होने की स्थिति में क्या होता है, मैं वही देख रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो एक फार्मूला होता है, कोई घटना घटित हो सकती है नहीं हो सकती है धन बराबर 1 होता है ना, इसका ये सूत्र होता है, दूसरे के लिए लिख लेना,
चूंकि फी ई और धन फी ई नहीं इक्वल वन, वन होता है ना, तो यार देखो सिंपल सी बात है, पी ई का मान जो है वो 3/8 आ गया, धन पी ई नहीं इक्वल वन, इसको उधर ले जा करके घटा लेना तो पी ई नहीं का मान निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तो पी ई नहीं का मान आप निकालोगे तो ऐसे आएगा ये पी ई नहीं इक्वल वन माइनस 3/8, घटा लोगे 8 * 8 माइनस 3/8 और ये हो जाएगा 5/8, कितना हो जाएगा 5/8। इसको आप जमानी भी कर सकते थे वैसे भी, क्योंकि इसमें टोटल 8 संभावनाएं हैं और इसमें डिब्बियां जो हैं काली वाली 5 हैं, तो 5/8 हो जाएगा, है ना, कितना इजी प्रायिकता, कभी ना भूलोगे प्रायिकता अगर सभी पार्ट देख लिए तो। और हमारी कोशिश होगी, ये दूसरा पार्ट है, हम प्रायिकता को आपको पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देंगे 5 पार्ट से कम ही में, ठीक ना, 4 या 5 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, आप पूरा देख लेना बहुत मज़ा आएगा। और हाँ एक बात और चलते चलते, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती मत करिएगा, तुरंत कर लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अनएकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनएकेडमी पर भी आप PVR स्टडी को खोज सकते हैं। तो आप पढ़ें कहीं से भी और कभी भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में साथियों, जय हिंद। चलते चलते बस एक बात याद रखना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो मानना कभी मत, समझौता मत करना, ठान के चलना कि जीत होगी। थैंक यू, लेकिन थैंक यू तो बोल दिया, इस क्लास को शेयर जरूर करना, अगर दोस्तों में शेयर करोगे ना हम आपके लिए बहुत सारी फ्री की क्लासें लाते रहेंगे और कंप्लीट कोर्स आपको देंगे। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर 1-2 वीडियो में हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, इसलिए शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने सभी मित्रों को जहाँ भी हो सके शेयर जरूर करना।